बहादुरगढ़ में एक विवाहिता द्वारा जहरीला पदार्थ निकलकर आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि विवाहिता ने ये कदम अपनी सास और पति से तंग आकर उठाया है। मृतका की पहचान सोनीपत के रोहना गांव निवासी 25 वर्षीय भारती के रूप में हुई है, जिसकी शादी 27 मार्च 2019 में कोहाना के रहने वाले राहुल के साथ हुई थी। वहीं मृतका के भाई प्रवीण ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि भारती के पति को विदेश जाने की इच्छा थी, इसलिए भारती के ससुराल वाले हमेशा ही उसे पैसों के लिए परेशान किया करते थे। वे उसे रोजाना मारते पीटते थे और उसे अपने मायके से पैसे लाने को कहते थे, जिसके बाद हमने भारती को परेशानी में देखकर उसके पति को करीब 7 लाख रुपए दे दिए, मगर पैसे लेने के बाद भी वो लोग नहीं माने और एक बार फिर से भारती को प्रताड़ित करने लगे। इसी दबाव के चलते उसने जहरीला पदार्थ निकलकर आत्महत्या कर ली। मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण जी, कैसे, क्या हुआ, क्या मामला? सर, मेरी बहन है भारती, जिसकी उम्र 25 साल है। हमने इसकी शादी राम सनोफ राम निवास गोहाना रहते हैं उनके साथ की थी, और शादी के कुछ दिन बाद उन्होंने दहेज मांगना शुरू कर दिया था, और मेरे पापा ने जितना हो सके अपने हिसाब से उतना बाद में उनको जितने मांगे उन्होंने दे दिए उसको। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने थोड़े टाइम बाद उन्होंने फिर पैसे मांगने शुरू कर दिए, और पैसे ना देने पर मेरी बहन को पीटते थे, और मेरी बहन मेरे पास कॉल करती थी कि मेरे को लेने आ जाओ, मेरे को ऐसे ऐसे पैसों के लिए मार रहे हैं। और फिर उसके बाद मेरी बहन को मैं घर पे ले गया जाता था, और उसके बाद फिर वह माफ़ी मांगने के लिए आ जाते थे कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, और फिर हमें भेज देते थे। लेकिन कल 7 जुलाई को उन्होंने फिर से पैसे की मांग की, और पैसे ना देने पर तलाक देने की धमकी दी। लेकिन फिर हमने पैसे नहीं दिए उनको, तो ये तलाक की धमकी देने के बाद फिर उन्होंने घर पे जाके कॉल वगैरह किया होगा और मेरी बहन पर प्रेशर डाला सुसाइड करने के लिए, और मेरी बहन ने प्रेशर आकर जहर खा लिया। कितने पैसे मांगे थे? बीच बीच में कभी 2 लाख मांगते थे, कभी 5 लाख मांगते थे। कितने दिए? हमने 5 से 7 लाख रुपए दिए थे उनको, जो कि बीच बीच में दिए थे। आप कितने मांग रहे? अभी भी इतने 5-7 लाख ही मांग रहे थे, क्योंकि वो लड़के को कहीं बाहर जाना था विदेश में, और उसके लिए पैसे मांग रहे थे। कौन कौन परेशान था? लड़का, लड़के की माँ, लड़के की बहन और उसका बहनोई। कब शादी की थी? 27 मार्च 2019 को शादी की थी। मेरा नाम है सुनील, थाना खरकोटा। हमारे को आज यहाँ से सूचना मिली थी, अगर रोना गांव की लड़की भारती जो पॉइजनिंग केस में यहाँ संजय हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। इस सूचना पाए थे, दरखास्त मिली गई थी, कार्रवाई शुरू हो। फिलहाल खरकोटा थाना पुलिस ने भारती के परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।